क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल के शताब्दी पुरम स्थित घर पर बुधवार रात ईओडब्ल्यू टीम छापामार अंदाज में सर्च कार्रवाई शुरू की। रात करीब 10:30 बजे टीम ने डोरवेल बजाकर आरटीओ के घर का दरवाजा खुलवाया। घंटी की आवाज सुनकर आरटीओ पाल ने स्वयं दरवाजा खोला। टीम भीतर पहुंची तो आरटीओ का आलिशान घर और भीतर रखा साझा सामान देखकर अवाक रह गई। वहीं गुरुवार की सुबह भी ईओडब्ल्यू की टीम ने संतोष पाल के कई संपत्ति की छानबीन शुरू की। आज टीम को 16 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर मिले। ईओडब्ल्यू की टीम रात को ही उसके ग्राम दिया खेरा चारगावा में करीब 1.5 एकड़ जमीन में बने आलिशान फार्म हाउस एवं 0° विजय नगर वाले घर पर भी पहुंच गई। अब तक की कार्रवाई में ईओडब्ल्यू की 16 लाख रुपए नगद एवं सोना चांदी जेवर मिले हैं। जमीन की खरीद फरोख्त से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। तीनों स्थानों पर अब भी छानबीन की कार्रवाई जारी है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। आर्थिक अपराध में प्रकोष्ठ SP राजपूत ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति में सर्च कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक सर्च कार्रवाई में आलिशान घर, लग्जरी कार, जमीन, प्लॉट सहित करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। आरटीओ पाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच में सेवा अवधि के दौरान आरटीओ पाल एवं उनकी पत्नी रेखा पाल को स्रोतों की प्राप्त आय की तुलना में व्यय एवं अर्जित संपत्ति 150% अधिक होना पाया गया है, जिसमें पर दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण के अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लाया गया। आगे आपको बताते हैं कि सभी चीज मिला है। 1150 वर्ग फीट का एक आवासीय भवन शंकर शाह वार्ड में, 10,000 वर्ग फीट के दो आवासीय भवन शताब्दी पूरब MR4 रोड में, 570 वर्ग फीट का एक आवासीय भवन कस्तूरबा गांधी वार्ड में, 771 वर्ग फीट का एक आवासीय भवन गढ़ा फाटक में, 1.4 एकड़ का फार्म हाउस ग्राम दीखा खेरा चरगावा रोड में, 1 I-20 कार MP-20 CB 5,455, 1 स्कॉर्पियो कार MP-20 HH 8,653, पल्सर बाइक MP-20 NF 2,888, बुलेट मोटरसाइकिल MP-20 MZ 5,455। सर आखिर कर रहे होंगे सर, मेरे पास कोई बहुत सारे सोफे नहीं है।